हाय हेलो गाइस, आई एम महावीर और आप देख रहे हैं bollywoodcalendar.com। और आज मुझे गाना याद आया। अब आप कहेंगे कि गाना कौन सा याद आ रहा है, तो आय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, हाय मिर्ची, मिर्ची मिर्ची फैल गई है बॉलीवुड में। बॉलीवुड में चल रहा है ट्विटर वॉर। वॉर से याद आया क्या फिल्म दी, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन। खैर ये बात छोड़ो, मुद्दे की बात से पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो हम जैसे बॉलीवुड न्यूज कवर करने वालों को मसाला और तड़का चाहिए होता है। हंसने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है। लेकिन इस समय जो हमारी न्यूज है उसमें मसाला और तड़का दोनों मिक्स है मेरे भाई। मिक्स इसलिए क्योंकि इस समय बॉलीवुड में चल रहा है कंगना वाज दिलजीत दोसांझ के बीच ट्विटर वॉर। वॉर भी भाई छोटा मोटा नहीं चल रहा है, ऐसा वॉर चल रहा है ना भाई साहब, क्या लैंग्वेज यूज हो रही है लोगों के बीच में। आप देखना चाहोगे तो पहले देखिए ये ट्वीट। ऐसे तो बॉलीवुड हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए समाज को अच्छा संदेश देने की कोशिश करता है और हमारे बॉलीवुड सितारे भी हमेशा समाज के प्रति जागरूक भी रहते हैं। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि ये दो एक्टर्स कुछ ज्यादा ही सामाजिक हो गए हैं। इतने सामाजिक हो गए हैं कि एक ने ये कह दिया, ओ करण के पालतू। पालतू भी यार कोई कहता है किसी को? ऐसी लैंग्वेज में भी कोई बात करता है? इन दोनों के लिखे हुए ट्वीट्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं भिंडी बाजार में बैठ के इन दोनों के ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ। यार जो भी हो, इन लोगों को ये समझना चाहिए बॉलीवुड के वो सितारे हैं जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। हाय इनके दिल पे क्या बीत रही होगी यार। जहां बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, वो सुर्खियां बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर के नहीं, अपने इन ट्वीट्स की बदौलत। और साथ ही इस समय दिलजीत दोसांझ के साथ पूरा बॉलीवुड एक तरफ हो गया है। यही होता है, जहां कुछ दिन पहले बॉलीवुड की क्वीन के साथ पूरा बॉलीवुड खड़ा था, आज वहीं वो पड़ गई अकेली। और दिलजीत दोसांझ इस समय तो बॉस बाजी मार गए। हम तो वहां खड़े हैं जहां खड़ी है पब्लिक, और पब्लिक कहां खड़ी है ये हमें जरूर लिख करके बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए bollywoodcalendar.com।